श्री शनि देवाय नमः। दोस्तों, HS भारद्वाज YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन आपको ये उपाय करने हैं। क्या करना है? शनिवार के दिन आपको दो दीपक बनाने हैं और एक काला धागा लेना है। दो दीपक सरसों के तेल के आपको बना के तैयार करने हैं। दोनों दीपकों में आपको दो दो लौंग डाल देनी है और साथ ही एक काला धागा लेना है। तिल के और गुड़ के सात लड्डू बना के तैयार कर लेने हैं। अब आपको जाना है शनिदेव के मंदिर। भगवान शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। कई ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से पुत्र धन की मनोकामना पूरी नहीं हो पाती, तो आपको शनिदेव को नमस्कार करना है। शनिदेव को नमस्कार करने के बाद में आपको जो तेल का दीपक लेके गए वह आपको शनिदेव के सामने जला देना है। उसके बाद में शनिदेव को आपको जो सात लड्डू लेके गए हैं उन लड्डुओं का भोग लगाना है। उसके बाद में एक जो दूसरा दीपक लेके गए वह पीपल वृक्ष के नीचे जलाना है और जो धागा लेके गए वह अपने बराबर नाप करके सात बार आपको पीपल वृक्ष से वह धागा लपेट देना है। इसके करने से आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी, धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी और पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे। यह उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। इस उपाय के करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसके बाद में रात को शाम के समय एक दीपक आपको भगवान शिव के सामने प्रदोष काल में जरूर जलाना है। इन उपायों को करने से हमारे ऊपर जो भी अशुभ दृष्टि होती है, दोष होते हैं, वह शांत हो जाते हैं और हमारी शीघ्र मनोकामना पूरी हो जाती है। तो शनिवार के दिन आपको यह उपाय जरूर करने हैं, फिर देखना कितनी जल्दी आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको यह उपाय बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान कृष्ण की कृपा से आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। श्री शनिदेवाय नमः।